जबरील अर्ज कर देने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए फिरौन दा इलाका, इत्थे फिरौन बादशाह बन के जिंदगी गुजारी है, ते जन्नत दी खुशबू पता क्यों आउंदी है? भी सुन लो, इस जगह ते फिरौन दी एक बेटी सी, ओदे कपड़े सवारन वाली, बाल सवारन वाली ओदी बांधी सी नौकरानी, ओदे बाल सवार ने, ओदे कपड़े सवार ने, ओदी ड्यूटी सी। एक दिन ऐसा होया कि कंघी कर रही है, ओदी नौकरानी है, ते कंघी जमीन ते गिर गई, वालां च कंघी फेर रही है फिरौन दी बेटी दे, जमीन ते गिर गई। उन्हें बिस्मिल्लाह श्री पढ़ के कंघी उठा ली। बेटी कहन लगी, फिरौन दी है, मेरे वालिद दा नाम लिया। उन्हें कहा, नहीं, मैं रब्बुल आलमीन दा नाम लिया। उन्हें कहा, मेरे बाप नु तू फिर नहीं मानती कि वो भी रब आ लोगां दा? उन्हें कहा, नहीं, मैं उन्हें नहीं मानती, मैं उस रब नु मानती हूं जिहड़ा कायनात दा मालिक आ, कायनात दा पालन वाला। अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उन्हें अपने बाप नु दस्या कि जिहड़ी नौकरानी है ना, ये तैनू नहीं मानती। उन्हें पूछा, हां भाई, मैनू तो मानती है कि नहीं? उन्हें कहा, नहीं, मैं तो अल्लाह नु माननी है, वो मेरा खालक है, मेरा राजक है, मेरा मालक है, मैं तैनू खुदा नहीं मानती। उन्हें कहा, सोच ला। उन्हें कहा, सोच लिया मैं, उन्हें क्या समझ, अगर नहीं बेस गल नू बाज आएगी, मैनू अपना मबूद, मैनू अपना मालक, अपना पालन वाला रब नहीं मनेगी, फिर मैं तेरी जिंदगी खत्म कर देवांगा, तेरा शोहर मार दिता जाएगा, तेरे बेटे खत्म कर दिते जाएंगे। उन्हें आख्या, कोई गल नहीं, मैनू हर शह मंजूर, पर मैं इस गल वल नहीं आवांगी, अकीदा गलत नहीं करांगी, रब्बुल आलमीन नू इलाह मन्नी आं, ओनू माबूद मन्नी आं, ओनू खालक मन्नी आं। फिरौन कहण लगा, इदां करो, अग बालो, अग दे उत्ते कड़ा रख दिता जावे, ओदे अंदर तेल बालिया जावे, जदों तेल रिझना शुरू हो जावे, फिर इहदा शौहर लिया के उस तेल दे अंदर गराया जावे, इसे तरह करके सारा टब्बर खत्म कर दिता जावे, ताकि लोगों नूं भी पता लग जाए कि जेड़ा मैनू खुदा नहीं मन्नेगा ओदी आ सजा। आशिक हमें पेश के कमामी दिल रखी वांगे पहाड़ा हो। सौ सौ बतिया हजार उलामे कर जानी बागे बहरा हो। मनसूर जाए चुक सोले जाड़े जड़े वाकिफ कुले असरारा हो। सजदियो सरना चुके बाहो तोड़े काफर कहने हजारा हो। तेल गरम हो गया, ओदे शौहर नूं आंदा, उस तेल च गरा दिता, थोड़ी देर तो बाद ओदी जिंदगी खत्म हो गई। भाई तेल रिझण डिया सी, फिर ओदा बेटा, ओनू गराया गया,
एक छोटा जा बच्चा ओदी गोदी विच सी। अक्सर मां जदों बच्चे नूं ओदे नजरां दे सामने तेल च गराया गया ना ते मां दा कलेजा हिलना सी कि नहीं, बोलो जरा, बोलो जरा, बोलो जरा, मां जरा परेशान होण लगी हो। ओ छोटा जा बच्चा जिहड़ा गोदी अंदर आ ना ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਘਬਰਾਵੀ ਨਾ, ਹੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।